ये क्वेश्चन था, ठीक है। माज ने या किसी ने शेयर किया था, तो शेयर किया तो इस वजह डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है, तो इस टाइप के भी आते हैं, इसमें ही क्वेश्चन में भी आपको काफ़ी आंसर मिल जाएगा इसका। तो इसमें ये था, द टैक्सेबल सप्लाई मीन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स डज नॉट इंक्लूड टैक्सेबल सप्लाई मेड बाई इम्पोर्टर, ट्रांसपोर्टर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर। अच्छा, अब आपको क्या पता चलेगा, इम्पोर्टर गुड्स आके इम्पोर्ट करके बेचेगा, ये तो निकल गया इसमें से। रिटेलर वो भी गुड्स जो है ना बेचता है रिटेल पे, मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर करके बेचेगा, ट्रांसपोर्टर जो है ना ट्रांसपोर्टर सर्विस देता है। तो ये इस किसी बात का क्या कर रहा है, टैक्सेबल गुड्स गुड्स की बात कर रहा है, सर्विस की बात होती तो हम जो है इसको करते हैं, इसलिए ये नेगेटिव क्वेश्चन है, यानी कि नेगेटिव लिस्ट समझे, ठीक है। तो ये डज नॉट इंक्लूड ये, ठीक है। किसी ने शेयर किया, पांच हेड होते हैं, किसी ने दस किए, किसी ने भाई पंद्रह, दस से ऊपर नहीं जाना, फिर पंद्रह पे चले जाएंगे, पांच होते हैं, ठीक है, पांच हेड है, ठीक। और पता भी होना चाहिए कौन कौन से हैं। ये नाम क्या नाम है, नेम नेम जो आवाज़ आ रही है, टू है चैनल, हाँ आ रही है अब सही है, ठीक है। वो हैंड आउट मिल गया सर, मेल कर दिया मैंने सर, हाँ लाइटिंग
अच्छा, हम पहले भी डिस्कस करते रहे कि आपने दो चीज़ों पे फोकस करना है, एक सेक्शंस पे भी पूछता है वो अक्सर, ठीक है। मैं हर क्लास में जो है ना सेक्शंस आपको लिखवाता हूँ, तो आपको ये इस तरह ये याद रहेंगे क्लास के साथ साथ। सेक्शन 18 है, डील करता है इसको, तो सेक्शन से ही पूछता है, और सेक्शन के अंदर जो लिखा हुआ है उसकी एप्लीकेशन भी पूछता है और ऑर्डिनेंस भी पूछ सकता है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। अच्छा, कल हमने कुछ बिजनेसेस डिस्कस किए थे, ठीक है, जिसमें नॉर्मल बिजनेस जो होती है गेन, ठीक, और ठीक है, लीजिंग बिजनेस थी, ये नॉर्मल बिजनेस जो गेन होता है वो किसी भी टाइप का बिजनेस हो सकता है, तो उसके ऊपर जो उसका जो गेन होगा, प्रॉफिट होगा या बिजनेस इनकम होगी, वो जो है इनकम फ्रॉम बिजनेस में चली जाएगी। एक दूसरा, सर्विसेज बाय सोसाइटी टू इट्स मेंबर्स, ठीक है, सोसाइटीज़ होती है, तो अगर वो अपने मेंबर्स से कोई सर्विसेज देती है या कोई गुड्स बेचती है, तो वो भी बिजनेस में आएगा, ठीक है, तो याद रख लीजिए। लीजिंग बिजनेस, लीजिंग कंपनियां होती है, और इन एडिशन टू लीजिंग बैंक्स आर आल्सो डूइंग बिजनेस ऑफ लीजिंग, ठीक है। लीजिंग अलग से भी हो सकती है और बैंक भी लीजिंग का काम करती है, उनको भी अलाउड है, ठीक है। अच्छा, एसेट मैनेजमेंट बिजनेस, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो है वो एसेट मैनेजमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि ये लोगों का पैसा इकट्ठा करती है और उसको शेयर्स में, बॉन्ड्स में और मुख्तलिफ जो इन्वेस्टमेंट जो सेक्टर्स होते हैं वहाँ पे इन्वेस्ट करती है, रियल जहाँ उनका दिल चाहता है, ठीक है। फिर उसे प्रॉफिट गेन करके अपने मेंबर्स को या अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रिफंड करती है, डिविडेंड देती है, ठीक है। ये एसेट मैनेजमेंट में आती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड्स में आता है, म्यूचुअल फंड्स। बैंकिंग बिजनेस, बैंक्स नॉर्मल क्या करती है, लेंडिंग और बोरोइंग करती है। ठीक है, और लीजिंग का काम भी हो सकता है इनका, और भी मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं ये लोग सेल करते हैं। ये हमने डिस्कस किया था, इसके ऊपर फोकस करना है। हमने कल प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया था एक छोटा सा, ठीक है। साफ कर दो,
ये मैं ग्रुप में जो है ना सब अपने नंबर शेयर कर लेना यार, मैं ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें डालूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी कंपनी की मैं आपसे शेयर कर लूँगा, आपको पता चल जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसका नया नाम है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आप जो है ना सिर्फ इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद कर लीजिएगा। दूसरा होता है बैलेंस शीट, ठीक। आपका काम सिर्फ इन दो चीज़ों पर है फिलहाल, इन चीज़ों को आप बाद में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ याद रखने के लिए ये पांच चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक, इसके पांच पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा बैलेंस शीट, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, पांचवा नोट्स टू द अकाउंट्स, ठीक है। इसमें कुछ नए लोग हैं ना जिसका बैकग्राउंड नहीं अकाउंट्स है, तो इसलिए ये बताना पड़ रहा है हमें। यार रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर का इसका डिफरेंस, ठीक है, ये आना चाहिए आप सबको। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर
है एक्सपेंडिचर दोनों, ठीक है। बिजनेस की बात कर रहे हैं, दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं। एक बिजनेस जो है अपने कोई असेट खरीदता है वो भी एक्सपेंडिचर है, मशीनरी भी खरीदता है वो भी एक्सपेंडिचर है, बिल्डिंग में काम कराते वो भी एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरिया देता है वो भी एक्सपेंडिचर है, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जो एक साल का, एक साल से ज़्यादा का फ़ायदा ना दे, एक साल के अंदर अंदर उसका फ़ायदा ख़त्म हो, ठीक। मसलन एम्प्लॉयज़ की सैलरीज, ठीक है, सेलिंग फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ठीक है, ये सब जो है इस टाइप की जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं और इसको हम चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका प्रॉफिट बैलेंस शीट का पार्ट बनता है, ठीक है। जिस तरह कोई व्हीकल खरीदनी है, व्हीकल खरीद के वो जो है आप एक साल के लिए अंदर अंदर वो डिप्रिशिएट होकर ख़त्म नहीं होता, उसका जो बेनिफिट है वो आपको 3 साल 5 साल तक वो देता रहेगा या 10 साल तक, ठीक है। तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बनेगा और बैलेंस शीट का पार्ट बनेगा, बैलेंस शीट का, ठीक है। लेकिन इसका एक सर्टेन अमाउंट जो है वो इनकर हम करेंगे कहाँ पे, सर्टेन अमाउंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाएंगे इसका, डेप्रिसिएशन के शक्ल में, डेप्रिसिएशन के शक्ल में, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होती है, डेप्रिसिएट होना कोई भी व्हीकल, ठीक है, कोई भी चीज़ डेप्रिशिएट, वैल्यू में ख़राब होना, कम होना वैल्यू, ठीक है, कम होती है डेप्रिसिएशन। इसकी हम पूरी जो है ना सेक्शन है 22 से 20 ऑनवर्ड जो है ना ये पढ़ते रहेंगे आप। डेप्रिसिएशन की शक्ल में बिल्डिंग व्हीकल का एक सर्टेन अमाउंट कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसका जो कॉस्ट अगर हम आज की डेट में ख़रीदते हैं तो आज की डेट में हम उसको कैपिटलाइज करेंगे किस में, बैलेंस शीट में, ठीक है। ये क्वेश्चन किसी भी सूरत में कैसे भी आ सकता है, इसमें से आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपसे वो पूछ कह रहा है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप दोगे, इसमें जो है ना इससे वो 10 तरीकों से आपसे ये पूछ सकता है, ये क्वेश्चन ये पूछता है। क्या इनकर्ड, जिस साल में इनकर्ड हुआ है ना उस साल में,
अच्छा आप डिप्रिसिएशन पढ़ेंगे ना तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा। उसकी मुद्दत तो भाई हम लोग तो पुरानी चीज़ें यूज़ करते हैं ना, तो होता क्या है नॉर्मली हम पढ़ेंगे उसकी नए के हिसाब से। आपने कोई गाड़ी ख़रीदी आज की डेट में व्हीकल, तो उसको 10% के हिसाब से डिप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। 10% मतलब 10 साल, 10 साल के अंदर अंदर आपने अपने अकाउंट से उसको निकाल देना, ख़त्म कर देना, ठीक। तो बिज़नेस में जो है ना, हमें अलाउ किया है कि हम 10% तक वो है, लेकिन वैसे तो वो चलती रहती है। शाज़िम इसको देखो ज़रा, हाँ ये आवाज़ नहीं जा रही ना इनको। आवाज़ नहीं आ रही, चेक कीजिएगा। हाँ आवाज़ आ रही है, आवाज़ हाँ। अस्सलाम वालेकुम, सही है इंटरनेट बता भी रहा है। ग्रुप में सब है ना, ग्रुप में है सब। मैंने एक हैंड आउट जो है ना शेयर किया था यार, वो खोलना ज़रा। नहीं है अच्छा, स्पेकुलेशन बिजनेस को थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। सेक्शन 19 है स्पेकुलेशन बिजनेस।
ये जो है ना नेट से मैंने एक इसकी डेफिनेशन निकाली है, जैसे आप जो है किसी भी चीज़ की किसी भी जगह ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे आपको लगता है कि बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, ठीक है, और आपको लगता है कि यार फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी 2 महीने 3 महीने या साल बाद, साल तो ज़्यादा है, कम पीरियड के लिए होता है आयशा जो है ना छोटी सी, और आपको लगता है यार 3 महीने में इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे आज की कल के टाइम पे आप देखें कि बिटकॉइन है, बिटकॉइन की एग्जांपल आप यहाँ पे देखें रख के यार इसकी ये बढ़ रही है आजकल, और आपको लगता है कि बिटकॉइन अपने जो लास्ट हाईएस्ट उस पर गया था वो 65,000 तक डॉलर में गया था, 65 था मेरा ख्याल, तो आज की डेट में वो 46-48 के उसमें चल रहा है, नहीं डॉलर्स में बात करो, अच्छा हाँ फ्लक्चुएशंस बिल्कुल भाई, किसी ने एक बयान दे दिया और उसकी रेट बहुत चढ़ गई, किसी ने बयान दे दिया हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और किसी वो उसकी जो है ना वैल्यू वो क्रैश कर गया, तो वो जो है ना बेस करता है वो है स्पेकुलेशन बिजनेस, ठीक है, ऑर्डिनेंस उसको जो है ना सेक्शन 19 में कहता है स्पेकुलेशन बिजनेस, उसको किसी और अंदाज में वो बयान करता है कि भाई एक कॉन्ट्रैक्ट हो बिटवीन टू पार्टीज, ठीक है, और उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट हो फॉर फ्यूचर में जिसकी प्राइस आज की डेट में आप सेट करते हैं और फ्यूचर में विदाउट एक्चुअल, यानी कि आप आज की डेट में एक चीज़ की ट्रांजेक्शन करते हैं लेकिन आप उसकी डिलीवरी नहीं करते, एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती उस चीज़ की, ठीक है, ऑर्डिनेंस ये कहता है सेक्शन 19 आप पढ़ेंगे ना, हैंड आउट नहीं है। ठीक, इसकी एक एग्जांपल बिटकॉइन की दे दी, दूसरी एग्जांपल जो हमारे पाकिस्तान में बहुत है वो है शुगर की मार्केट, शुगर में एक गेम बहुत खेलते हैं, ठीक है, शुगर में क्या होता है कि जैसे ही क्रैशिंग स्टार्ट होती है तो उसकी जो है ना ये ट्रेडर जितने बैठे होते हैं तो वो उसकी बिट लगाते हैं और अपने पास स्टॉक करते हैं, ठीक है, और अच्छा उसमें छोटे छोटे लोग भी शामिल हो जाते हैं, हर कोई कहता है यार बढ़ने वाली है इसकी रेट बढ़ेगी, तो शुगर जो है 60 से है जो ना आप जो है 100 के करीब जो टच कर रही है वो भी स्पेकुलेशन बिजनेस के इसमें आता है, ठीक है, लेकिन वो अलाउ नहीं है, वो ब्लैक मार्केट है, उसको हम स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं कहेंगे, ठीक, स्टॉक्स की बात कर सकते हैं हम स्टॉक, ठीक, अच्छा इसमें ऑर्डिनेंस कहता है कि स्पेकुलेशन बिजनेस कोई भी बंदा स्पेकुलेशन बिजनेस कर रहा हो या उसके साथ साथ कोई नॉर्मल दूसरा बिजनेस कर रहा हो तो ये स्पेकुलेशन बिजनेस उस नॉर्मल बिजनेस से अलग ट्रीट होगा, अलग एंटिटी, अलग जो है ना उसके सारी चीज़ें ट्रीट की जाएगी, वो उससे बिल्कुल अलग होगी, ठीक है, तो स्पेकुलेशन बिजनेस को हम जो है फिलहाल इतना पढ़ते हैं क्योंकि हैंड आउट नहीं है तो उससे मैं आपको पढ़ा देता, ठीक, कंसेप्ट समझे, बताएं आप, हाँ अच्छा हैंड सबके पास नहीं है ना, है तो भेजा तो था, खुल गया आपके पास,
इसका अलहम का वो है आपके पास पासवर्ड अलहम का वाईफाई का? अच्छा, ये सेक्शन 19 स्पेकुलेशन बिजनेस जो मैंने हैंड आउट दिया है वो खोलने सारे ना, तो उसको पढ़ते थोड़ा सा। वेयर अ पर्सन कैरीज ऑन अ स्पेकुलेशन बिजनेस दैट बिजनेस शैल ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम एनी अदर बिजनेस कैरीड ऑन बाय द पर्सन। ठीक है, वो सेपरेट ट्रीट की जाएगी। अच्छा, दिस पार्ट शैल अप्लाई सेपरेटली टू द स्पेकुलेशन बिजनेस एंड द अदर बिजनेस of the person under the head income from business for that year। यह अलग होगी ना, इसमें तो ये होगा आपकी इन्वेस्टमेंट का भी पता है, आपको प्रॉफिट और गेन का पता है, जैसे आपने शेयर्स में वो की इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है ना, ठीक है ना, इसमें तो कोई आप वो थोड़ी करें कि बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन एक जगह आपने वो की हुई है इन्वेस्टमेंट, वो होगा। ठीक है, अच्छा, सब सेक्शन टू में देखें लिखा हुआ, इन दिस सेक्शन स्पेकुलेशन बिजनेस मींस एनी बिजनेस इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ द एनी कॉमोडिटी कुछ भी हो सकता है इंक्लूडिंग स्टॉक्स एंड शेयर्स इज पीरियोडिकली और अल्टीमेटली सेटल अदरवाइज देन by the actual delivery or transfer of the commodity। वो कह रहा actual delivery या transfer नहीं हो सकता इसमें, ठीक है, otherwise यह transaction होगी actual delivery या transfer के अलावा। For example, किसी ने एक दूसरे के साथ वो एक settlement की कि future में मैं आपको इतने shares देना इतने में दे दूँगा, ठीक है, एक contract आज की date में हुआ, ठीक है, आज की date में कोई delivery नहीं हो रही, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्चुअल डिलीवरी जो है फ्यूचर में जाके होगी। ठीक, अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट इन रेस्पेक्ट, अच्छा, वो आगे कह रहा है बट डज नॉट इंक्लूड बिजनेस इन विच, सब सेक्शन ए लिख रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल और मर्चेंडाइज इज एंटर्ड इनटू बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और मर्केंटाइल बिजनेस टू गार्ड अगेंस्ट लॉस थ्रू फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशंस फॉर द पर्पस ऑफ फुलफिलिंग द पर्सन्स अदर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और मर्चेंडाइज टू बी सोल्ड। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है आपकी बिजनेस के अलावा जो आपके पास किसी और चीज़ के लिए हो सकता है, इसको मैंने बोल किया एक्चुअल डिलीवरी, कॉन्ट्रैक्ट फॉर द एक्चुअल डिलीवरी। अच्छा, सी में लिख रहा है अ कॉन्ट्रैक्ट इज इंटर्ड इनटू बाय अ मेंबर ऑफ अ फॉरवर्ड मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज इन द कोर्स ऑफ एनी ट्रांजैक्शन इन द नेचर ऑफ जॉबिंग आर्बिट्रेज टू गार्ड अगेंस्ट एनी लॉस विच मे अराइज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द पर्सन्स बिजनेस एज सच मेंबर। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज का किसी मेंबर के साथ आप इस तरह कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो भी जो है स्पेकुलेशन में नहीं आएगा। ये तीन जो है कैटेगरीज इन्होंने बयान की कि गुड्स हों, ठीक है, गुड्स में आप जो है कोई गुड्स डिलीवर करनी है, ठीक है, जो आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करेंगे तो उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट आज की डेट में आप साइन करते हैं तो वो स्पेकुलेशन में नहीं आएगा। ठीक, दूसरा, उसने स्टॉक एक्सचेंज की मेंबर्स के साथ इस तरह कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो जो है आपके जो शेयर्स हैं या स्टॉक है उसकी प्राइस फ्लक्चुएशन को तो वो होते हैं
इसमें ये कंट्रैक्ट की बात कर रहे हैं ना, अनसर्टेन तो है, आप स्पेकुलेशन अपनी बेसिस पे कर लें। बिल्कुल ऐसे ही है, शेयर्स में है, शेयर्स में भी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, शेयर्स में इसलिए नहीं है, कह भी सकते हैं ठीक है कि भाई किसी कंपनी की शेयर्स, हाँ कुछ भी आपके पास बहुत सारे शेयर्स हो और किसी कंपनी की शेयर्स जो है ना आपको पता है कि यार 50% 100% जो है ना बढ़ने वाले हैं, तो फिर आप वहाँ पे स्पेकुलेशन को कह सकती है उसको, लेकिन 100% शेयर्स का काम जो है वो 100% जो है स्पेकुलेशन पे नहीं है सारा, ठीक है। इसमें जो मोटी मोटी बातें याद रखनी है, स्पेकुलेशन बिजनेस क्या है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ये, इसको आप जो है ना एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। दूसरा ये है कि गुड्स इसमें शामिल नहीं है, गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो तो वो उसमें शामिल नहीं है। तीसरा जो है मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, इससे ये चीज़ें इसको आप सिर्फ याद रख लें, पढ़ लीजिएगा ठीक है। सेक्शन 20 है डिडक्शंस का, ठीक है। अच्छा डिडक्शन क्या होती है, कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, ठीक है, उसमें हम सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स,
आप जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं ना, तो आपके पास जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने अकाउंट्स में, फाइनेंशियल जो आप अकाउंटेंट जो आपके पास होता है कंपनी में, तो वो आपके सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। जो सेल करता है तो सेल वाले अकाउंट बनता है आपके पास। सेल्स के अगेंस्ट आपके पास परचेज पैसे आते हैं या आप उधार में देते हैं, दो चीज़ें हो सकती है, ठीक है। ठीक, तो जो पैसे आते हैं तो वो उसको रिकॉर्ड करता है कैश में या बैंक में, कहाँ आता है। तो अकाउंटिंग होती है पूरा, जो है ना, एक एक चीज़ की अकाउंटिंग होती है। पैसे वो दे देता है आपके पास किसी भी चीज़ के लिए, खर्चों के लिए देता है, गुड्स खरीदने के लिए देता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो अपने पास अकाउंट्स में रिकॉर्ड करता है, ठीक है। फिर उसको सब चीज़ों को जमा करके साल के आखिर में अकाउंट्स बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो भी चीज़ें थी वो यहाँ पे आती है। सेल आ गई, परचेजेस आ गई, ठीक है, स्टॉक था, ये था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास आ जाती है, हम इसको कैलकुलेट करते हैं, जीपी निकालते हैं, और ये हमारे पास एक्सपेंसेस आती हैं, ठीक है। ये भी एक्सपेंस है हमारे पास और ये भी एक्सपेंसेस है, ठीक है। और हमने ड्यूरिंग द ईयर ये रेवेन्यू कमाया, ये सेल्स की, ठीक है, 50 लाख की, और हमारे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट इसका ये आ गया। अच्छा, अब ऑर्डिनेंस जो है सेक्शन 20 है वो इन डिडक्शंस की बात करता है, इसकी ये डिडक्शंस है ना। डिडक्शंस मतलब एक्सपेंसेस के कौन कौन से डिडक्शन आपको अलाउ होंगे, ऑर्डिनेंस सेक्शन 20 में इन डिडक्शंस की बात करता है। ये भी आपके पास एक एक्सपेंस है, परचेज है, आप खरीदते हैं माल, उसको ऊपर उसको प्रोसेस करते हैं या खरीद के बेच देते हैं, तो ये आपकी परचेजेज आती है, ये भी एक्सपेंस है। और उसके ऊपर जो ओवरहेड एक्सपेंसेस आती है, फॉर एग्जांपल आपने भाई ऑफिस लिया हुआ है, वहाँ पे आपने एसी लगाया है, उसका बिल होता है, आपने बंदा बिठाया हुआ है, आपके अकाउंट मेंटेन करता है, सेलिंग वाले लोग होते हैं, सेलिंग जो आपकी जो प्रोडक्ट जाके मार्केट में बेचते हैं लोगों को, वो सेलिंग एक्सपेंस में आते हैं, ठीक है। ये एडमिन एक्सपेंस है जो आपके ऑफिस में और जो लोग बैठे हुए हैं उनकी एक्सपेंसेस एडमिन में आते हैं। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जैसे आपकी अपने एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए या अपनी इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंड करने के लिए आपने बैंक से कोई लोन लिया हुआ है, उस पर आप मार्कअप दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो इस हेड में आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हेड होते हैं। सिर्फ सेक्शन 20 में डिडक्शंस की बात करता है, कोई डिडक्शंस क्या है तो वो जो है ना कौन कौन से डिडक्शन अलाउ होंगी, अब आ जाए सेक्शन 20 में। सेक्शन 20 में है सब सेक्शन 1 लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ अ पर्सन चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, फॉर द टैक्स ईयर अ डिडक्शन शेल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाई द पर्सन इन द ईयर होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, ठीक है। पर्सन फिर आ गई बात, तीनों आपके जहन में आनी चाहिए, तीनों बंदे, ठीक है, ठीक है, तीनों बंदे अगर बिजनेस कर रहे हो और उस बिजनेस के लिए कोई भी एक्सपेंडिचर बिजनेस से रिलेटेड हो तो वो उसको एक्सपेंस अलाउ होगा, इधर आप उसको डालेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है यहाँ पे, जिस तरह हम बनाते हैं अपने अकाउंट्स बना के मेंटेन करके, हमारा वकील आता है, हम वकील को ये चीज़ दे देते हैं तो वो हमारे रिटर्न भर देता है, एज इट इज़ ये चीज़ हमारे पास चली जाती है, ठीक। लेकिन इसमें कुछ एडबैक्स और कुछ डिडक्शंस होती है, वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी है, ठीक है, कहाँ क्या करना है, ये जेहन में रखिएगा। ये सेक्शन जो है ना, बिजनेस इनकम जो है ना, वो सारा इसके ऊपर घूम रहा है। आपको चीज़ें बाद में समझ आएंगी जब ये आप जेहन में रखेंगे कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या होता है, ये बेसिक है। फिर आपके साथ जो है ना, ये सारा सेक्शन जाके 32 तक ये सारा जो है ना आपको कवर करना है। अगर आप इस चीज़ को कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप जो है ना ये सारा आप समझ में नहीं आएगा। इस ठीक है, कोई भी बिजनेस से रिलेवेंट कोई भी एक्सपेंडिचर हो वो अलाउ है, ठीक है। पर्सन में तीन बंदे आ गए। अच्छा, दूसरा 1A, सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस वियर एनिमल्स विच हैव बीन यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन अदरवाइज देन एज स्टॉक इन ट्रेड एंड हैव डाइड और बिकम परमानेंटली यूजलेस फॉर द सच पर्पस, अ डिडक्शन शैल बी अलाउड इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल कॉस्ट टू द टैक्स पेयर
ऑफ द एनिमल्स एंड द अमाउंट इफ एनी रियलाइज्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ द कारकासेस आर एनिमल्स। अच्छा, ये उससे लाइव स्टॉक से रिलेवेंट कोई बात कर रहा है। ठीक, लाइव स्टॉक में क्या होता है कि भैंस जब दूध देना बंद कर देती है, क्या कर देते हैं, उसको बेच देते हैं। ठीक है, तो उसकी जो रियलाइज वैल्यू होगी, कितने में बेचा आपने और वो कॉस्ट जो कितने में ख़रीदी थी, उसका डिफरेंस आपके पास यहाँ पे आएगा। नहीं नहीं, इस पेट्स जो है ना, नहीं उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे बिजनेस की बात कर रहा है ना, एनिमल्स रिलेटेड टू बिजनेस। ठीक, लाइव स्टॉक की बात है, बिल्कुल क्लियर एग्जांपल, लाइव स्टॉक गॉड्स, डॉग्स का कारोबार कर रहा है कोई, वो भी शामिल है इसमें। डॉग कोई अपने शौक के लिए पाल रहा है, वो शामिल नहीं है। ठीक है, अच्छा, दूसरा आ गया सब सेक्शन टू में लिखा है, सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस वेयर द एक्सपेंडिचर रेफर टू इन सब सेक्शन वन इज इंकर्ड इन एक्वायरिंग अ डेप्रिशिएबल एसेट्स और एन इंटेंजिबल विद यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन वन ईयर और इज अ प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर द पर्सन मस्ट डेप्रिशिएट और एमोटाइज द एक्सपेंडिचर इन अकॉर्डिंग विद सेक्शन 22, 23, 24 एंड 25। ये डोगर्स वाली बुक ले लेना सब, अच्छा ये इससे पढ़ते रहेंगे। यार ये डोगर वाली शायद अपडेटेड नहीं है, तो पुराना होगा ऑर्डिनेंस। देखो ऑर्डिनेंस कॉपी पेस्ट है, लेकिन वो चेक करना, वो नया वाला है पुराना है, उससे देख लेना, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से देख लेना। कौन से? अच्छा ठीक है, दिखाइएगा। अच्छा अच्छा, एनी एक्सपेंडिचर फॉर एक्वायरिंग डेप्रिशिएबल एसेट्स, ठीक है। अच्छा ये जो कह रहा है, डिडक्शन शिल बी अलाउड इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल कॉस्ट और टू द टैक्स पेयर ऑफ द एनिमल्स एंड द अमाउंट इफ एनी रियलाइज इन रेस्पेक्ट ऑफ द कारकासेस आर एट एनिमल्स। बात ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपने भाई एक कंपनी है, वो जो है ना उसका काम करती है लाइव स्टॉक का। लाइव स्टॉक में भी हम जो है ना कहते हैं कि यार भैंस का भाड़ा है किसी का, ठीक है, डेयरी। तो उसने 100 भैंसें खरीदी, ठीक है, 100 भैंसों में से वो जो है ड्यूरिंग द, अच्छा एक भैंस का जो दूध देने का ड्यूरेशन मेरे ख्याल में नहीं, 3 साल तक शायद चल जाती है या 4 साल मैक्सिमम, ठीक है, 3 या 4 साल तक वो आपको दूध देगी। आपका क्या था एम कि भाई आपने दूध जो बेचना है मार्केट में और आपने भैंस खरीदी दूध के लिए, अब आप जो है 3 साल बाद जो है आप उसको बेचोगे, ठीक है। आपने वो एक भैंस, हम एक की एग्जांपल लेते हैं, वो एक भैंस आपने ली थी 2 लाख रुपए में और आज की डेट में आप इसको 50,000 में बेच रहे हो, ठीक है, तो वो जो है 1.5 लाख का डिफरेंस वो आपको अलाउ हो जाएगा। लॉस नहीं कहें एक्सपेंडिचर इन रेस्पेक्ट ऑफ डिस्पोजल कहें, या इसके भाई जो बेची आपने अपना एसेट जो बेचा वाला हो जाएगा। देखें ना आप ड्यूरिंग द ईयर अगर वो जो डेयरी वाला है, डेयरी प्रोडक्ट जो आपका दूध बेच रहा है,
तो वो तो अपना ड्यूरिंग द ईयर अपनी ये बेचेगा अपना ये इसके ऊपर क्या प्रॉफिट या लॉस दिखाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल दिखाते हैं कि भाई यहाँ पे वो प्रॉफिट जो दिखा के उसके ऊपर टैक्स दे देता है ड्यूरिंग द ईयर, और ड्यूरिंग द ईयर उसमें इन एक्सपेंसेस में उसको वो भी अलाउ हो जाएगा वो एक्सपेंस जो उसने इन रेस्पेक्ट ऑफ जो आप भैंस जो बेची है, ठीक है, जो यूजलेस हो गई उसके लिए जो उसने बेची है वो डिडक्शन यहाँ पे उसको अलाउ हो जाएगा, वो उसकी बात कर रहा है। किसका? हाँ यार, अब वो एनिमल जो है ना, नहीं उसके लिए नहीं है, उसके लाइफ स्टॉक तो बड़ा एक एग्जांपल हमारे पास लाइफ स्टॉक का है ना, जिसमें गोट शीप्स और इस टाइप की जो चीज़ें आती हैं वो उसमें आती है। अब वो जो है ना मुर्गी शायद बर्ड में आती है क्या, ठीक है, अब एनिमल अलग चीज़ है बर्ड। मुर्गी बहरहाल ये समझे कि इसमें जो डिफरेंस आपको मिलेगा बेचने से तो उसके आगे जो पैसे मिले उसको लेस करके जो बचेगा आपको लॉस हुआ वो आपको अलाउ हो जाएगा, ठीक है। फिर आप कहेंगे सर ड्यूरिंग द ईयर जो हम जो कमाते रहे वो कहाँ गया, भाई कमाते रहे तो वो तो हम यहाँ पे टैक्स दे रहे हैं ना उसके ऊपर, 3 साल तक आपने उसके ऊपर टैक्स तो दिया है ना, 3 साल बाद आपको जो जो यूजलेस हो गई आपके लिए पर्पस के लिए तो वो जो है ना आपको डिडक्शन अलाउ हो जाएगी 4th साल, ठीक है। एसेट्स आपके पास जो है टेंजिबल इंटेंजिबल आती है, ठीक है, आप एसेट्स को जो है ना बैलेंस शीट में मजीद जो है ना डिस्कस करेंगे क्या क्या उसमें आती है। एसेट्स जो है 2 टाइप, टेंजिबल इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जो आपको जिसको ऐसा एसेट जिसको आप टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। एग्जाम्पल है व्हीकल, बिल्डिंग, AC, ठीक है, फर्नीचर, फिक्सचर, कंप्यूटर, ये है टेंजिबल एसेट्स जो आपको 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट देते हैं। आप कंप्यूटर ख़रीदते हैं वो आपको 1 साल से ज़्यादा चलेगा आपके पास, ठीक है, आपको बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा का होगा, वो है टेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट जिसको आप टच नहीं कर सकते, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या नहीं, बिटकॉइन, इंटेंजिबल हाँ कह ले, वो इन्वेस्टमेंट में आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट फिर उसमें हम डाल देते हैं। अब तो अभी सिंपल इसकी बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर आता है इस टाइप से रिलेवेंट, कोई IT से कोई और चीज़ हो बताएं। ठीक है, सॉफ्टवेयर आप अपनी कंपनी के लिए ख़रीदते हैं, उसकी लाइसेंस जैसे आपको मिलता है 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, तो वो लाइसेंस से ही पता चलता है 10 साल में ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आप उसको 10 साल तक क्या करेंगी, एमोटाइज करेंगी, इसको एमोटाइजेशन कहते हैं। ये एमोटाइजेशन कहाँ जाती है, वो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे जाती है। एमोटाइजेशन आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है यहाँ पे, ये डिडक्शन की बात कर रहा है, ठीक है, ये एमोटाइजेशन। और ये पार्ट बनेगा एडमिन एक्सपेंस का, सॉफ्टवेयर एडमिन वाले चलाएंगे ना, ठीक है, तो ये इंटेंजिबल एसेट इसको एमोटाइज करेंगे 10 साल तक, ठीक है, 10 साल तक ये आपको बेनिफिट देगा, 10 साल तक के बाद जो है ना 11वें साल ये ख़त्म हो जाएगा, एंड कर देंगे, और इसका एक सर्टेन पोर्शन हर साल आप यहाँ से यहाँ पे चार्ज करते रहेंगे, ये डिडक्शन आपको अलाउ हो जाएगी।
ठीक है। अच्छा ये सब सेक्शन टू में इसी की बात कर रहा है इसको। अच्छा डेप्रिसिएशन को और एमोर्टाइजेशन ये जो है ना ऑनवर्ड हम पढ़ते रहेंगे, ये हमारे पास सेक्शन 22 से ऑनवर्ड ये सारे एक्सपेंसेस हैं मेन उसको हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे, ठीक है। सब सेक्शन फोर में है सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस वेयर एनी एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड बाई एन अमलगेमेटेड कंपनी ऑन लीगल एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रिलेटिंग टू प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अमलगेमेशन अ डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर सच एक्सपेंडिचर। अमलगेमेशन का मतलब ये हुआ दो कंपनियों का आपस में मर्जर, ठीक है, दो कंपनियां मिल गई वो एक हो गई, ठीक, या एक कंपनी ने दूसरे को एक्वायर कर लिया और वो उसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गई, तो उसको हम अमलगमेशन कहते हैं। और इस अमलगमेशन को करने के लिए आपके पास जो है लीगल कॉस्ट जो है आप बियर करेंगी, ठीक है, और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट उसके अगेंस्ट में जितनी भी आपको एक्सपेंसेस आपने इंकर कर ली तो वो अमलगमेटेड कंपनी या अमलगमेशन कंपनी जो कंपनी है जो एक ख़त्म हो गई कंपनी जो दूसरी एग्जिस्ट कर रही है उसको अलाउ होगी। नहीं 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 दो कंपनी ए और बी हैं, ठीक है, वो जो है अलग अलग काम कर रहे हैं या रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो या एक ही नेचर का कोई दो कंपनियां एक काम करें, जायज़ और वारिद अमलगमेट हो गए, लीगल एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी एक्सपेंसेस अमलगमेशन के लिए जितनी इंकर्ड कर ली तो वो जेएस को बेयर करनी पड़ी, जेएस ने दी, अब वारिद ख़त्म हुआ। एग्जांपल इसके साथ लिख ले जायज़ और वारिद। यार डेप्रिसिएशन जो है ना हम अकाउंटिंग एप्रिसिएशन नहीं कहते, रिवेल्यूएशन कहते हैं उसको, रिवेल्यूएशन, ठीक है। अब किसी की उसमें वैल्यू में बढ़ावा आना उसको एप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है, लेकिन एप्रिसिएशन मेरे ख्याल में इकोनॉमिक्स में ये टर्म है, यहाँ पे नहीं, अकाउंटिंग में एप्रिसिएशन का वर्ड नहीं है यहाँ पे। हाँ आप सिर्फ यहाँ पे जो है ना डेप्रिसिएशन याद करिएगा, डेप्रिसिएशन जो है ना एक अलाउबल एक्सपेंस है आपके लिए और उसको सेक्शन 22 डील करता है, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन ये व्हीकल है जैसे आपको 10 साल बेनिफिट देगा तो आप उसको एक सर्टेन अमाउंट जो है हर साल अपने अकाउंट्स में चार्ज करेंगे यहाँ पे, इसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, ये एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन की डेप्रिसिएशन व्हीकल जैसे आप यूँ समझे कि ये एसी आप जब आप ख़रीदते हैं तो आपको एक्सपेक्टेड फर्स्ट डे को जो रिज़ल्ट देगा या पहले साल जो रिज़ल्ट देगा वो सेकंड साल नहीं देगा, फिर थर्ड में उससे कम हो जाएगा, फोर्थ में फिर कम हो जाएगा, फिफ्थ में फिर कम हो जाएगा। कोई इसकी एक लाइफ होती है कि हर एक एसेट्स की एक लाइफ होती है जिसमें वो आपको बेनिफिट देगा, उससे आगे नहीं दे सकता, तो हम जो है उस जितनी भी उसकी लाइफ है उसमें हम उसको ख़त्म कर देते हैं, इसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है, उसको चार्ज कर लेते हैं हमारे पास अकाउंट्स में, ये अकाउंट में का पार्ट बन जाता है, यहाँ पे एक डिडक्शन अलाउ होती है सेक्शन 20 में, ये जो है ना इसका जिक्र कर रहा है सब सेक्शन 2 में। ठीक है, अच्छा सेक्शन 21 है डिडक्शन नॉट अलाउड, इसको हम जो है कल पढ़ेंगे सेक्शन 22 और सेक्शन 21 डिडक्शंस नॉट अलाउड, ये कल पढ़ेंगे। आज की डेट में अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। वो हम सेल टैक्स में पढ़ेंगे। इनपुट टैक्स जो होता है आप सिंपल ये समझे कि आप परचेजेस पे जो टैक्स पे करती हैं सेल टैक्स, ठीक है, वो आपका इनपुट टैक्स है, और जो आप अपनी सेल पे जो टैक्स आप सप्लाई पे जो टैक्स आप पे करती हैं वो आपका आउटपुट टैक्स है। सेल से रेलिवेंट जो होगा वो आउटपुट टैक्स है,
परचेज से रेलिवेंट जो होगा वो इनपुट टैक्स है, उसमें रॉ मटेरियल भी आता है, इलेक्ट्रिसिटी भी आती है, और भी जो चीज़ें आप खरीदते हैं टैक्सेबल सप्लाइज, ठीक है, जिसके ऊपर आपने टैक्स पे किया होगा अपने उसको सप्लायर को। सप्लायर क्या करता है, आपको एक इनवाइस बनाता है, इनवाइस में कॉस्ट लिखता है, उस कॉस्ट के साथ जो है 17% आपके साथ को टैक्स भी लगाता है, ठीक है। 1,00,000 की चीज़ है तो 1,17,000 में वो आपको बना के दे देता है, ठीक है, आपसे कलेक्ट करता है और 1,17,000 रुपये वो गवर्नमेंट को पे करता है सप्लायर आपका। आप क्या करती है, वो चीज़ जो है 1,00,000 की जो चीज़ है जिसमें आपने 1,17,000 पे किए, ठीक है, अब आप जो है वो 1,00,000 की चीज़ कॉस्ट है वो 1,02,000 में बेचती हैं, समझे, आगे 1,02,000 अब प्रॉफिट होता है, तो उसके ऊपर आप जो 2,000 का जो गेन खरीद कर रही है इसके ऊपर आपको एडिशनल टैक्स पे करना है, ठीक है। जो 1,02,000 पे आप जो टैक्स कैलकुलेट करेंगी वो 1,17,000 या 1,18,000 फॉर एग्जाम्पल आ गया, ठीक, वैल्यू एडिट हो रहा है। इसको मैं जो है साइकिल के साथ समझाऊंगा आपको कि क्या पहले क्या हुआ, एडिशन होती रही थी, आपने जो है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा, डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को बेचा और हर एक ने आप उसकी वैल्यू ऐड कर दी, ठीक है, तो वो जो एडिशनल जो टैक्स होगा वो आप बेयर करते रहेंगे। हुआ क्या, आपने 1,18,000 फॉर एग्जाम्पल 1,02,000 पे टैक्स बना, 18,000, 17,000 आप पहले पे कर चुकी है, उसमें से माइनस करेंगी 18,000 में से जो आपका आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है, सेल्स पे जो लाइबिलिटी है बचा 1,000 आप जो है ना पे करेंगे गवर्नमेंट को, ठीक है। आउटपुट टैक्स आपकी लाइबिलिटी होती है, इनपुट आपके एसेट है, ठीक है, थैंक यू। पाँच मिनट की ब्रेक ले लें। आई थिंक का नाम बिलाल है, बिलाल आप आगे जहाँ पानी पड़ा है वहाँ पे आके बैठो, पीछे नहीं बैठो, ठीक है। ऑल राइट, सो फार जितना भी हमने कवर किया है थोड़े बहुत एमसीक्यू मिलते जुलते मैंने आपको दिए हैं, जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगी वहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है हम। सो रेवेन्यू रिसीट्स इन पाकिस्तान आर वॉट, कोई ना कोई आंसर लिखे मैं आपको बता दूँ। Which of the following is an example of direct tax? Okay, attempt it first. Try करें, ये उन्हीं notes में से जो कल मैंने दिए थे, तो somewhat are related to that. कुछ मैंने जो कल समझाया उसमें से हैं। बिलाल आपके पास है, मुनीब आपके पास है, सबके पास है, फैसल attempt करना start करें। And those who are online, I have sent the document on the WhatsApp group. Kindly check the WhatsApp group. उसके ऊपर document है, fiscal policy MCQs. Start doing those MCQs. Don't search on internet because exam में you are not going to pass that. See what is exactly your level and tell me the percentage कि आपकी कितनी percentage आई है। एक्स्ट्रा है आपके पास, ताहिर आप भी करें। एक ले लें, मुझे मार्कर ही चाहिए था एक्चुअली, एक ले लें मुझे नहीं।
Okay, are you guys done? All right. So revenue receipts in Pakistan are who is saying option A? How many are saying option A? Yeah, raise your hand so that I can see everybody. B, C, and D. D कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ और आप कह रही हैं जी D is the correct answer. Review your notes again. Review your notes again. D. All right. Which of the following example of direct tax? It's very easy. What is the share of direct taxes in revenue? It's federal excise. Central excise, it's absolutely right. Either ways you can use both. It was pehle koi issue nahi hai. It means federal excise duty. Yes, it's like that. So what is the share of direct taxes in revenue generation in Pakistan of total tax revenue? A, 50%. Revenue generation in total tax revenue. कल के डॉक्यूमेंट में फिगर लिखी हुई है 60 or 70. How much? It's C. ठीक है. How much percentage of revenue is collected from revenue receipts? 60 to 70%. ये भी रेंज दी हुई है, उसमें लिखा हुआ है. आप पढ़ेंगे घर जाके तो आपको पता चलेगा कि ये होता है. ठीक है. ऑल राइट. व्हाट इज मेंट बाय नॉन टैक्स रेवेन्यू? इनमें से कौन सा नॉन टैक्स रेवेन्यू है? ये अंदाजा कुछ भी नहीं लगे. बोथ ऑफ द अबव. वाह वाह वाह. कुछ ना लगे. नन ऑफ दिस. ऑल राइट. सो व्हाट्स द आंसर? It's B. 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 Check कीजिएगा. In revenue receipts, what is meant by surcharges? Both of those. C. What is meant by capital receipts? It's B. Yes. हाँ एग्जैक्टली. ये टेक्टिक्स इन सबको आती है कि आगे वाले का जो आंसर है कभी को पीछे वाले के साथ रिलेट करता है. दे ऑलरेडी नो दैट. ये मैं हाँ. अच्छा दूसरी चीज मैं यहाँ बताती चलूंगी. कल की सर की क्लास में मुझे एक बात याद आई.
मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा खेल खेल में परसेंटेज निकलवाने की जुबानी प्रैक्टिस करवाई जाए, क्योंकि जो अकाउंटेंट्स हैं उनको तो जुबानी प्रैक्टिस बहुत अच्छी आ जाएगी, लेकिन जो अकाउंटेंट्स नहीं है उनको मैनुअल प्रैक्टिस भी नहीं आएगी। और मैनुअल प्रैक्टिस में अगर मैं आप लोगों से सिंपल एक चीज पूछ लूं कि भाई अगर 7 रुपए 20% है किसी चीज का तो ग्रॉस कितना होगा, नॉन अकाउंटेंट पीपल हैव टू आंसर दैट, तो आप लोग उसे वापस ग्रॉस बैक कर सकेंगे बैठ के भले टाइम लें मैन्युअली। 7 रुपए अगर किसी चीज का 20% है तो उसका 100% कितना होगा और उसका 80% कितना होगा, ये भी मुझे बताइएगा। ये आपको ग्रॉसिंग आनी चाहिए, ये आपसे वो पूछेगा, और आप लोगों को आना चाहिए कि हाउ टू डू, कि मैन्युअल किस तरह से किया जाता है, परसेंटेज क्विकली कैसे निकाली जाती है, परसेंटेज निकलती कैसे, किसे कहते हैं परसेंटेज, ये भी मेरे ख्याल से मुश्किल हो सकती है। इसलिए मैनुअल करने की कोशिश कीजिए, कैलकुलेटर वहां पे आपको नहीं देंगे, गलत फहमी में मत मुबतला रहे, कोई आपको वहां हेल्प नहीं करेगा और आपके लिए बहुत पेपर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को अपने जहन में रखें। अच्छा, कैपिटल रिसीट्स इंक्लूड इट्स सी बोथ ऑफ द अबव, व्हाट इज मेंट बाय एक्सटर्नल रिसोर्सेज इन इन फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। What is meant by external resources in fiscal policy of Pakistan? Who's saying C? G? Achha, all right, okay. What's the answer? How many people saying A? सोच के दीजिएगा, रिव्यू नोट से निकालें, वापस निकालें। What's the answer? सोचें। You should be sure shot on what you're saying. Okay? Yes, Bilal, मुझे आप बताओ। आप क्या बोल रहे हो मुझे? हाँ, A is the right answer. Okay, consortium provide aid at. Thanks to this gentleman, he asked the consortium question yesterday. Okay, government of Pakistan's fiscal policy denotes the use of taxes and expenditure. Great. Pakistan nation, like many other developing countries, has. Hold on. एक सेकेंड, आप लोगों मार्जिनल प्रोपेंसिटी का मतलब पता है कि अंदाजे लगा रहे हैं? जब पता नहीं है तो हम लोग कैसे अंदाजे लगा सकते हैं? तो जब पता नहीं होता तो उसके ऊपर फिर आप तुक्के लगाते हैं, ठीक है, मानती हूँ, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस के साथ पीछे से आ रहा है, हाय नो, पता नहीं क्या, पता है नहीं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू जो अर्न होती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है। हम अभी सिर्फ कंजम्पशन की बात करते हैं, कल मैं टू इन्वेस्ट एंड टू सेव के हवाले से आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि आपके मॉनेटरी पॉलिसी में सारी चीजें, आधी से ज्यादा चीजें वहां पर भी कवर हो जाएंगी, ठीक है। अब आप लोग फॉर एग्जाम्पल जितना कंज्यूम कर रहे हैं, आपको अर्निंग अच्छी होगी, आप कंजम्पशन बढ़ाएंगे अपनी। देखिए, आप फॉर एग्जाम्पल मिस अनम हैज 10,000 रुपीज, उनका हैंड टू माउथ है, ज्यादा शी इज नॉट स्पेंडिंग एनीवेयर। इफ आई गिव हर 30,000 रुपीज, अब यस, अब आई गिव हर 70,000 रुपीज, कंजम्पशन और बढ़ेगी। मैं उनको 7 लाख दूंगी, कंजम्पशन और बढ़ेगी, रुक जाएगी, बिकॉज अब वो गरीबी की ब्रैकेट से अमीरी की ब्रैकेट में आ गई हैं। तो जो हाई आपके जो अर्नर्स हैं, जो जिन मिडिल क्लास है या इलीट क्लास है, फॉर एग्जांपल अगर मैं हूं, मैं अगर 10 रुपए आज कमा रही हूं तो मैं अपना हाथ इतना नहीं बढ़ाऊंगी। मैं परसों 40 रुपए कमाऊंगी तो मैं थोड़ा सा इजी हो जाऊंगी,
लेकिन एक टाइम के ऊपर इफ आई एम अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी लाइक लैक्स में अर्न कर रही हूँ तो फिर मैं इतनी ज्यादा नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि अब मेरी जो जो अब मेरी जो वांट मेरी जो नीड्स हैं वो बेसिक नीड्स फुलफिल हो गई हैं, अब मेरी अपने ऊपर है, मेरी अपनी ऊपर डिस्क्रेशन के ऊपर है इफ आई वॉन्ट टू एक्चुअली डू इट और नॉट। तो जितने आप अमीरी की ब्रैकेट के अंदर या एलीट ब्रैकेट के अंदर या अपर क्लास के अंदर आ जाएंगे उतना आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी लो हो जाएगी। पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री के अंदर हम सब गुरबत की ब्रैकेट के एक्चुअल में हम गरीब हैं। हम यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं हम लोग जो बिल्कुल स्लम्स में उनसे बेहतर हैं, मिडिल क्लास हैं, लेकिन अगेन वी आर फॉलिंग अंडर, अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देखा जाए तो वी आर स्टिल अंडर द लाइन ऑफ पॉवर्टी। एंड सो सिंस वी आर डेवलपिंग कंट्री तो हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी हाई होगी लो होगी। अब है क्या, मैं आपको बताती हूँ कि आपने जब 10 रुपए आपकी इनकम थी तो आप कितना स्पेंड कर रहे थे, कंजम्पशन आपकी कितनी थी। अब आपकी 40 रुपए इनकम हो गई है, अब आपकी कंजम्पशन कितनी है, जो कंजम्पशन आपकी पहले एक पर्टिकुलर इनकम के ऊपर थी और अब कितनी कंजम्पशन है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे आप। आपकी पहले कितनी इनकम थी डिवाइडेड और अब कितनी इनकम है, उसका आपने डिफरेंस ले लिया। तो डिफरेंस यानी डेल्टा इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन इनकम, ये आपको एक परसेंटेज आपको एक इंटू 100 करके परसेंटेज निकाल सकते हैं। यूजुअली डेवलपिंग कंट्रीज की मार्जिनल प्रोपेंसिटी हाई होती है क्योंकि जैसे ही पैसा मिलेगा वो खर्च कर लेंगे, जैसे ही पैसा मिलेगा खर्च कर लेंगे। लेकिन अगर आप बिल्कुल इलीट क्लास की बात करें या हाई इनकम ब्रैकेट लोगों की सेविंग ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि उनकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी हुई होती है। दैट्स व्हाई दे वांट टू सेव ऑल द टाइम, दे आर ऑलवेज रिचर, आर ऑलवेज रिचर। व्हाई, हम लोगों को पैसा भी आएगा, हम लोगों को पता चलेगा कि 40 रुपए तनख्वाह नेक्स्ट मंथ हुई है, हम 60 रुपए का अभी से खर्चा कर लेंगे। क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख होगी, हम 3 लाख उसके ऊपर वीआईपीसी मार्क करवा के 3 लाख का खर्चा करेंगे। डू यू नो व्हाट इज वीआईपीसी? आप एडिशनल अमाउंट मार्क करवाते हो कि मुझे एडिशनल अमाउंट ड्रॉ करना है। तो दिस इज एक्चुअली द माइंडसेट, ये इकोनॉमिक टर्म्स में केनेडियन जो इकोनॉमिक्स हमारे पास रहे हैं, दीज आर द टर्म्स विच वर टॉक्ड मोस्टली अबाउट द पीपल बाय हिम एक्चुअली। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? द आंसर इज हाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, ठीक है, अब हम आते हैं। अच्छा, टैक्स कलेक्शन एक्सपेंस, फिर मैंने आपको बहुत प्यारे प्यारे सवाल अब भी दिए ताकि आप लोग बिल्कुल आराम से इसे कर सकें, आपको कॉन्फिडेंस आपका बहाल हो जाए। जी जी बिल्कुल। डी, टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन द गवर्नमेंट्स पॉलिसी, मैं तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेती हूँ। आप एग्जैक्टली मॉनेटरी पॉलिसी में भी ऐसा ही है, मैं तो सोची थी डिमांड एंड सप्लाई भी पढ़ाऊं। मैं कुछ ये बताना चाह रही थी, लेकिन बात है हम वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम। इन दी एंड कोई ना कोई सवाल घुमाकर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को ही टच कर रहा है, ये तो है ना। तो अब हम क्या क्या हम कवर कर सकते हैं, कोशिश यही है कि आपको कवर करवाया जाए। पिछली जो हमारी बैच थी इकोनॉमिक्स अंदर में ज्यादा नहीं गई थी, लेकिन आपको फिर भी बेसिक करवा रहे हैं ताकि आपको माइंड पता हो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। एटलीस्ट जब आप किसी ब्यूरोक्रेट्स के मजमे बैठे हो तो यू नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, आप उनको उनके साथ बात तो कर सके, आप लोग उनके साथ कॉम्प्यूट तो कर सके, ज्यादा नहीं मेरी वजह से इंग्लिश बेहतर हो जाएगी आप लोगों की। ठीक है, ऑलराइट, सो यस, इट्स अ डिफरेंस ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, ऑल राइट, नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट वन। हाँ हाँ, सिर्फ फिस्कल पे अभी टच करें, लेकिन अब मॉनिटरी पॉलिसी के ऊपर भी कल बात करेंगे, कल मैं डिटेल में बात करना चाहती हूँ, फिर एक घंटे में मैं कवर नहीं कर सकती। ओके, पाकिस्तान्स लार्जेस्ट इंपोर्ट आइटम, दैट्स इंपॉर्टेंट, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज द लार्जेस्ट इंपोर्ट दैट वी आर डूइंग। ठीक है, ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन सेक्टर्स आर काउंटेड अंडर द सर्विसेज। ग्रेट, पाकिस्तान। अच्छा, आप लोग जब एग्जाम देने जाएंगे तो प्लीज फिगर्स को रिव्यू कीजिएगा।
ये मैं आप लोगों के साथ जो अन्याय करने वाली हूँ, कल एक छोटा सा आप लोगों का टेस्ट, इसमें एब्सेंट नहीं हुईगा, इसमें कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन नहीं है। मैं आप लोगों के साथ ये एमसीक्यू प्रैक्टिस इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले पूछेंगे कैसे सवाल, तैयारी करनी है। हम तो जाते हैं नहीं। ऑल राइट, सो लेट्स डू वन थिंग के आई विल पुट अप दिस ऑन द ग्रुप, तो आप घर पे कर सकते हैं। नहीं, आप घर पे अटेम्प्ट कर लीजिए, नेक्स्ट वीक व्हेन वी कम तो आप लोगों को एटलीस्ट किया हुआ हो, हम लोग कोर्स तो आगे निकालें। ठीक है, आई वांट कि आप लोग कुछ तो प्रैक्टिस करें, कुछ तो आप लोगों के पास हैंडी होनी चाहिए। जब आप लोग एमसीक्यू करेंगे तो आपके जहन में टिप्स पे सवाल आप लोगों को याद होंगे ना, ऐसे कैसे याद होंगे। बात असल में ये है कि मेरा ये मानना है कि अगर आप ये कर लेते हैं दिस इज रियली गुड। आई वॉन्ट एक्चुअली कि मैं आप लोगों को कुछ पिक्चर्स भेजती हूँ क्लास के बाद, आप उन फिगर्स को याद भी करें, प्लस जब आप याद करना स्टार्ट करेंगे तो आप लोग सवाल करने के लायक हो जाएंगे। आप लोग क्लास में सवाल एक या दो स्टूडेंट करें, सवाल ज्यादा नहीं करें। मैं अगर आपकी जगह होती मैं बहुत ज्यादा सवाल पूछती हूँ क्योंकि मुझे समझना होता है। तो आप जब ये करके आएंगे, मेन मकसद आपको ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ये बजट पढ़वाना है, अगर आप ये कर रहे हैं विच इज गुड, देन आई विल टेक द टेस्ट नेक्स्ट वीक। ठीक है, राइट। सो इफ यू वॉन्ट इट नेक्स्ट वीक दैट कैन ऑल्सो हैपन, या तो आप याद करें, मैं आपको कल टेस्ट दे देती हूँ, पूरा वीक करें, नेक्स्ट वीक वी कैन डिस्कस, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। आप मुझे यूनानिमसली डिसीजन ले, मुझे बताएं व्हाट यू गाइस वॉन्ट। ठीक है, तो आप ये बजट की फिगर्स पढ़ना कब से स्टार्ट करेंगे? आज टेस्ट हुआ, घर जाएंगे, देखेंगे, बजट पढ़ना है, पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीक तक छोड़ेंगे, याद नहीं रहेगा। सबकी अपनी जॉब्स हैं, कोई ना कोई कमिटमेंट है, आप नहीं पढ़ेंगे, मुझे पता है ना, आई वॉज ऑल्सो स्टूडेंट, सो आई नो। ठीक है, कमिंग ऑन टू 16, पाकिस्तान फिस्कल डेफिसिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 इज अबाउट, इट्स 3.5%, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इन द फर्स्ट 10 मंथ, देखिए आपको 9 मंथ्स भी बोलेगा, आपको 10 मंथ्स भी बोलेगा, आपको एक साल भी बोल सकता है, आपसे एक महीने में का भी पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि आपका इन द फर्स्ट 10 मंथ्स ऑफ द करंट फिस्कल ईयर 21 द FBI टैक्स कलेक्टेड कलेक्शन टारगेट इज सरपास्ड बाय हाउ मच, 100 बिलियन। ये टीवी पे भी न्यूज चल रही थी, आप प्लीज उन न्यूज को सुने। आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल बी लाइक थिंक यार व्हाट द हेल शी इज टॉकिंग अबाउट, मुझे न्यूज भी सुननी पड़ेगी एंड मुझे रेडियो भी सुनना पड़ेगा उसके बाद जो है, एग्जैक्टली मेरे साथ ये इतना बड़ा सीन हो जाएगा, तो यार दिस इज टोटली, आपको कोशिश यही है कि जितने मैं जी नोट्स प्रोवाइड करी हूँ उसका एक फोल्डर बनाएं। आपके पास सॉफ्ट कॉपी भी आ गई है, अब तो सॉफ्ट कॉपी का एक फोल्डर बना लें, आप अपने एक बुकलेट छोटी बना लें, उसमें आप रिव्यू कर लें, एग्जाम से पहले देख लें चीज़ें, इसी टाइप की चीज़ें आप लोगों से पूछेंगे। ठीक, इकोनॉमिक सर्वे हमेशा एक साल पहले का आता है। ठीक है, 1920 तो अब जी तो आप एक एग्जैक्टली मैंने ये डे वन मैंने अपनी पहली या दूसरी तीसरी क्लास में लिखा है इकोनॉमिक सर्वे ऑन द बोर्ड, मैंने कहीं लिखा है। हाँ जी, इकोनॉमिक सर्वे तो आप लोग अगर CSS के लिए भी बंदा करता है ना, तो इकोनॉमिक सर्वे की तो मोटी आप उसकी समरी पढ़े, नोबडी सेइंग टू गो एंड रीड ऑल ऑफ द डॉक्यूमेंट, सिर्फ समरी पढ़े, समरी आपके लिए बहुत ज्यादा डोज होता है, डबल डोज है बिल्कुल। ठीक है, एज ऑफ द ऑगस्ट 2021 यानी अभी, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर अकाउंटेड फॉर -% ऑफ द टोटल FBI रेवेन्यू, दिस इज ऑन इंटरनेट, दिस इज ऑन इंटरनेट, व्हाट्स द आंसर, व्हाट्स द आंसर, सी, ऑल राइट। सो 64% ऑफ द टोटल FBI रेवेन्यू 2021 अगस्त में इनडायरेक्ट टैक्सेस के अकाउंट फॉर हुआ, ये यहाँ पे आपको इंटरनेट पे मिलेगा, बहुत सारी वेबसाइट पे मिलेगा, ऑथेंटिक वेबसाइट देखिएगा। ठीक है, The COVID-19 Prevention of Smuggling Bill to जी एग्जैक्टली ये भी आपको इंटरनेट से मिल जाएगा। अच्छा, द नंबर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर्स इन पाकिस्तान इज अबाउट, जी 30 लाख हमारे पास इनकम टैक्स फाइलर्स सो फार हैं। पहले हमारे पास तकरीबन 2016 में when I joined FBR, I remember someone was saying 8-9 lakh है, and I was like 8-9 lakh बस, ये तो कराची की आबादी भी नहीं है। तो फाइलर से मुरादी है कि आपके उसको
आपके पास कुछ सेक्शंस इसके ऊपर अप्लाई हो जाते हैं कि भाई आर यू रियली लायबल टू पे टैक्स, भी तो अप्लाई हो सकता है ना. अगर कोई फीमेल है शी इज नॉट अर्निंग, इज शी लायबल टू पे टैक्स. एक पर्सन है जो 18 से कम है, लायबल टू पे टैक्स. 18 से प्लस भी है, नौकरी नहीं है, लायबल टू पे टैक्स है क्या? एक ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दैट स्टूडेंट्स पीपल आर ऑल्सो थिंकिंग कि हमारी डिडक्शन टैक्स हमारा कट रहा है, हम क्यों फाइलर बने. ठीक है जी, सॉरी नहीं बताइएगा इन जी. इंटीरियर इंटीरियर साइड की बात करें राकेश, कम इन इनकम टैक्स फॉर वन डे टू जस्ट हैव द फील. डिपार्टमेंट में वी आर देयर, मैं और तहरी की ऑफिस में, ये इंटेलिजेंस में, मैं कमिश्नर विद होल्डिंग में हूँ, आप लोग आए, जस्ट हैव द फील ऑफ दैट. आपको अंदाजा हो जाएगा बहुत सारी चीज़ों का कि एग्जैक्टली व्हाट इज द सिचुएशन. आपको सिटी में, आपको इवन इंटीरियर में फाइलर मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू सिटी. कुछ मैं इंटीरियर की बात आपको बता रही हूँ, दैट्स एक्चुअली द आयरनी. तो पीपल आर नॉट विलिंग, लेकिन अब वी हैव टेकन डिफरेंट मेजर्स सच एज बर्निंग ऑफ टैक्स पेज के अंदर. बहुत मैंने खुद बर्निंग ऑफ टैक्स पेज पर सर्वेड इंटायर ऑटोबान, इंटायर कासमाबाद. हम पूरी फोर्स लेके घूमे हैं, फिरे हैं और हमने बहुत मजे किए हैं, लोगों को प्रॉपरली चेक किया है. एंड देन वी गॉट टू नो एग्जैक्टली द स्टेटस ऑफ हाउ मेनी पीपल एग्जैक्टली आर और कौन कहाँ पे है. उसके बाद भी वी वर स्टिल वी कुड नॉट ब्रिंग देम इन द टैक्स नेट, क्योंकि उसके नोटिस इशू करवाना, उनका फाइलर बनना, इट्स अ होल न्यू थिंग. तो वी हैव सेपरेट सेगमेंट्स इन एफबीआर रिलेटेड टू बर्निंग ऑफ टैक्स पेज, दे आर नाउ स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन दैट. तो आई वॉज ऑल्सो वंस पार्ट ऑफ बीटीबी, जिसकी वजह से आई गॉट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स. लेकिन अभी भी मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी इकोनॉमी बिल्कुल अनडॉक्यूमेंटेड जा रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 साल के अंदर देर हैज बीन सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट. फॉर द पास्ट 2 ईयर्स तो बहुत है कि पीपल आर फीलिंग रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एफ बी आर के अंदर, इट्स अ गुड क्वेश्चन, यू शुड नो. फॉर एग्जाम्पल मैं, योर नेम इज मिस नाजिश. नाजिश ने कहा कि भाई मुझे अपना NTN बनाना है, मुझे रजिस्टर होना है. नाजिश ने अपना NIC लिया, उन्होंने खुद ही NTN बनाने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब हो गई हैं. नाउ शी इज़ अ रजिस्टर्ड पर्सन. ठीक है, अब मैं उसके बाद उन्होंने, नाजिश ने सोचा कि मिस पारस, शी कॉल्ड मी एंड शी सेड आई वॉन्ट टू फाइल माई टैक्स रिटर्न. अब मिसाल के तौर पर एक टैक्स रिटर्न पीछे वाला 2020 का है और उससे पहले 2019 का है. अब हमारे पास अभी फ्लोट करना स्टार्ट हो गया था तकरीबन जुलाई के अंदर 2021 का रिटर्न. तो शी सेड आई वॉन्ट टू बिकम अ फाइलर और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना रिटर्न भरूँ. उसूलन कौन सा रिटर्न मुझे इनको भरवाना चाहिए? हाँ, लेकिन कौन सा रिटर्न भरवाना चाहिए? 2021 का भरवाना चाहिए, अभी 30 सितंबर की डेट है. ठीक है, क्या 30 सितंबर पर ये फाइलर बन जाएंगी? नो, She will not be on the active taxpayer list. She will be a filer. She will not become on the active taxpayer list. ठीक है, why? क्योंकि अब होता क्या है कि जब भी 30 सितंबर क्रॉस करते हैं तो मार्च के अंदर, मिसाल के तौर पे 2021 का रिटर्न मार्च के अंदर फ्लोट करेगा ATL स्टेटस के ऊपर. जिसने 21 का रिटर्न भरा हुआ है मार्च में, उनका नाम अपडेट हो जाएगा. एग्जैक्टली, एक्टिव टैक्स पे लिस्ट के ऊपर अपडेट हो जाएगा. लेकिन अब अगर वो मेरे पास आ रही हैं, शी वॉन्ट्स टू बिकम एक्टिव टैक्स पेयर, शी वॉन्ट्स टू कम ऑन द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, तो मैं इनको 2020 का भरवाऊंगी. ठीक है, और 2020 का भरवा के शी विल बी ऑन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट एंड देन उनको बाद इनको मैं 2021 का भरवाऊंगी. देन शी इज अ फाइलर एंड ऑन द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट. फाइलर से मुराद अब इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं. एक्टिव टैक्स पेयर यानी कि द करंट, उस वक्त जो टैक्स ईयर चल रहा है उसके ऊपर आपने वो
जो कि पिछले साल का होता है यूजुअली, वो आपने ऑलरेडी फाइल किया हुआ है, दिस मीन्स यू आर एक्टिव टैक्स पेयर. बेनिफिट आपकी टैक्स रिडक्शन है. पहले तो ये था कि आपको कम रेट चार्ज हो रहा था, अब आप बैंक के ऊपर जाएंगे, आपको एटीएल पे अगर आपका नाम है, आपको बैंक परसेंटेज नहीं डिडक्ट कर रहा, एटीएल के ऊपर परसेंटेज खत्म हो गई है. जी विदहोल्डिंग, जी विदहोल्डिंग पहले थी ना, पहले भी थी इन इन फाइनेंस एक्ट की वजह से, जो अभी रिसेंट है, अब ये खत्म हो गई है. जी तो अब एटीएल पे आना इतना इन्होंने बेनिफिशियल कर दिया है. पहले अगर कोई रेट 6% पे होता था तो फाइल नॉन फाइलर 6% पे करता था, फाइलर जो एटीएल पे था वो 3% के ऊपर करता था पे, तो ये बेनिफिट था. अब उन्होंने कहा भाई आपने 6% पे करना, जो एटीएल पे होगा वो जीरो. यानी कि इतना फायदा आपको यहाँ पे हुकूमत दे रही है, हुकूमत के और कितने आप लोग चीजों को ठुकराएंगे. हाँ आपका सवाल बहुत अच्छा है. हाँ देखें, फॉर एग्जाम्पल अभी आपका एंटीन बना हुआ है वैसे, नहीं 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 ना, शी इज अनरजिस्टर्ड राइट नाउ. ठीक है, मैं रजिस्टर्ड हूँ. पुष्प आपका बना हुआ है? अच्छा ठीक है, मैं रजिस्टर्ड हूँ. ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरा सिर्फ बना हुआ है, दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर्ड नॉट रजिस्टर्ड. देन अगर आप फाइलर हैं तो आप रेगुलरली इस साल का इनकम टैक्स रिटर्न भर के भी आप फाइलर हो सकते हैं 2021 का, लेकिन आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के तब होंगे जब एक पर्टिकुलर ईयर का एक पर्टिकुलर डोमेन पर्टिकुलर मंथ के अंदर आप भर रहे हैं. अब सुनिएगा, कोई भी रिटर्न एटीएल पे तब अपडेट होता है जब उसको पास हो अप्रॉक्सीमेटली 6 months हो जाते हैं. अब आप सितंबर का भरेंगे 21 का, तो आप मार्च में अपडेट होंगे. ठीक है, पिछले साल अभी राइट नाउ अगर आप एटीएल स्टेटस चेक करेंगे 21 का भरेंगे, फिर भी आपका एटीएल पे नाम नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि 2020 का रिटर्न अप टिल मार्च आपका 2020 का रिटर्न चलेगा, फिर मार्च के बाद 2021 स्टार्ट होगा, ये नेक्स्ट मार्च तक जाएगा. तो इट्स फ्रॉम मार्च टू मार्च. ठीक है, हजम कर ले. राइट, देन यू हैव, ओके नाउ दैट दिस इज इंटरेस्टिंग. पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड एज, अब हमारे पास आपकी नेशनल इनकम पूरी एवरेज नेशनल इनकम उठाएंगे पूरी आपकी कंट्री की, डिवाइड करेंगे उसको फिर आपकी पॉपुलेशन पे, तो पर कैपिटा आ जाएगा. बाकी हम लोग ठीक है, एग्जैक्टली. और दूसरी बात ये कि अगर कोई भी स्टैटिस्टिशियन जो कोई भी स्टैट्स पढ़ा रहा है, वो बोलेगा एक बहुत ज्यादा अमीर है, एक बहुत ज्यादा गरीब है, और आपने उन सबको एक ही ब्रैकेट में कर लिया, उसकी एवरेज इनकम पता नहीं कितनी है, उसकी एवरेज इनकम 100 लोगों के बराबर है मिसाल के तौर. तो आपकी पर कैपिटा इनकम का जो फॉर्मूला है, इट्स लाइक नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन. तो आंसर इज सी, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन. लिख लें अपने पास, भूल ना जाए. ठीक है, देन उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल्स ए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस इनकम ऑफ फॉरेनर्स, बी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट प्लस इनकम ऑफ फॉरेनर्स, सी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, एंड डी बोथ ए एंड सी. इसका जवाब कौन देगा? How many people saying A? हाँ, आप में से कौन मुझे फॉर्मूला बताएगा जीएनपी का? बहुत आसान फॉर्मूला है. जीएनपी का मतलब क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और जीडीपी में क्या डिफरेंस है? बताएं. नहीं नहीं बताएं बताएं, आई वॉन्ट टू हेयर, मुझे अच्छा लगेगा मेरे स्टूडेंट्स बताए. जो
बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पहली एक दो क्लासेस में करवाया था, बताया था जहाँ तक मुझे याद है, और मैं उस वक्त लंबी स्पीच करी तो फ्लो में सब लोग कर रहे थे। अब मैं आप लोगों से सवाल पूछ रही हूँ, आप लोगों को एक्सेस है पहले 3-4 वीडियोस का ऑलरेडी, ठीक है। GNP इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, आपके पाकिस्तानी नेशनल्स कहीं भी बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में हैं, बाहर हैं, उनके उनके टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है, उनके टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है, क्या आपकी नेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, दैट इज एक्चुअली योर GNP। मैंने या यहां मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ, ठीक है। दैट इज योर GNP, यानी कि आपकी उसमें कंजम्पशन भी आ गई, आपके उन पाकिस्तानी की इन्वेस्टमेंट भी आ गई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी आ गई, उसके बाद इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट जो आपका नेट एक्सपोर्ट है वो अमाउंट भी आ गया, और प्लस अब जेड करेंगे उसमें आपके बाहर जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं उनकी भी इनकम्स आ गई, ठीक है। तो जो जेड है बेसिकली क्या है, दैट इज द इनकम ऑफ द फॉरेन पाकिस्तानी ओवरसीज जो बैठे हैं उनकी इनकम, दैट इज GNP। अगर आप GDP कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर कहते हैं भाई पाकिस्तान में जो भी बंदा है विद इन द विसिनिटी ऑफ पाकिस्तान बाउंड्री जो भी कमा रहा है वो हमारे मुल्क को फायदा दे रहा है, क्योंकि हमारे मुल्क की इकोनॉमी बढ़ रही है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जो भी पाकिस्तान के अंदर फॉरेन नेशनल्स भी हैं, जो भी है, दे आर पार्ट ऑफ GDP। तो विद इन द बाउंड्रीज GDP, आउटसाइड द बाउंड्रीज एज वेल GNP, जिसमें सिर्फ पाकिस्तानी नेशनल्स काउंट हो गया। अब आपसे पूछ रहे GDP क्या है, अब GDP को किसी और टर्म्स में कैसे आप बताएंगे, तो आप ये बता सकते हैं भाई आप जब मैं GNP का फॉर्मूला बता रही थी तो मैं आपको क्या बता रही थी, मैं आपको वही GDP का ही फॉर्मूला बता रही थी, कंजम्पशन भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी है, नेट एक्सपोर्ट्स भी है, उसमें से आपने सिर्फ और सिर्फ फॉरेन नेशनल्स की हटानी है और क्या, पाकिस्तानी फॉरेन ओवरसीज की सिर्फ अमाउंट आपने हटा देनी है, दैट्स इट, ठीक है। सो व्हाट शुड बी द आंसर, ए, आप अगेन लिख सकते हैं फॉर GNP सी प्लस आई प्लस जी यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्स, एक्स का मतलब है नेट एक्सपोर्ट्स, एक्स को आप एक्स इज इक्वल टू लिखें इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, हम एक्स अगर आपकी इंपोर्ट ज्यादा है तो फिगर आप माइनस में लेंगे, अगर आपके एक्सपोर्ट है तो आप सरप्लस में ले रहे हैं, यहां तक क्लियर है। राकेश आप मुझसे मिलिएगा आफ्टर द क्लास, इफ यू हैव हैविंग सम प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस कीजिए, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डिस्कस, ठीक, क्योंकि आई रियली वांट यू गाइस टू पार्टिसिपेट इन द क्लास। तो अगेन GNP में से अगर हम लोग फॉरेन नेशनल इनकम हटा दें तो यू हैव द GDP, सो सिंपल, ठीक है। अच्छा उसके बाद है 23, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द best measure of changes in the standard of living in economy in an economy expressed in a time series, all right। तो आपको मैंने उस दिन बताया था जब मैंने GDP की क्लास ली थी, मैंने बताया था कि GDP आपकी जो कैलकुलेट हो रही है वो बहुत इन्फ्लेट, बहुत ज़्यादा आपको लगेगी कि यार पहले तो GDP इतनी थी, अब इतनी अचानक से GDP बढ़ गई है, उसमें इन्फ्लेशन भी होती है, आपने उसमें से इन्फ्लेशन हटानी है तो आपके पास क्या आ जाएगा, नॉमिनल और रियल GDP। आर यू श्योर 100%? व्हाट्स द आंसर, व्हाट्स द आंसर, डी, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम इज, फिर मैंने आप लोगों को थोड़े से मिठाई देना स्टार्ट किया, इतनी इजी भी आप लोग करें, ठीक है, सी, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम इज पर्सनल इनकम रिमेनिंग आफ्टर इनकम टैक्सेस, ठीक है, उसके बाद द आंसर इज सी। अब हम उसके बाद 24 है, ये छोटा टॉपिक हम लोगों ने कल मजाक में पढ़ा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, दिस कैन बी आस्क्ड, देन अब सुनिएगा इसको, द नेगेटिव इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी दैट अकर्स व्हेन एन एवरेज टैक्स रेट इंक्रीजेस
बिकॉज टैक्स पेयर हैज मूव्ड इनटू अ हायर इनकम टैक्स ब्रैकेट ड्यूरिंग एक्सपेंशन इज व्हाट लेफर इफेक्ट लेफर कर्व भी हमने बात की क्योंकि हमने कहा भाई आप टैक्स रेट आपकी टैक्स रेट बढ़ा रहे हैं आप उनका ज्यादा टैक्स रेवेन्यू आपको मिल रहा है लेकिन आपने टैक्स रेट उनकी इनकम भी बढ़ रही है आपने टैक्स रेट भी बढ़ाया है एंड देन सो ऑन एंड सो फॉर यू इंक्रीजिंग द टैक्स रेट टू सच एन एक्सटेंट कि जहां पे वो बिल्कुल कंगाल हाल हो जाएंगे फिर उनके पास और पे करने का दिल नहीं करेगा दे विल नॉट वॉन्ट टू इन्वेस्ट तो यहाँ पे आप होल्ड करेंगे तो ये जो लेफर कर्व था बेसिकली इट वॉज एक्चुअली एन एक्सप्लेनेशन कि किस तरह से आपकी टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू अलॉन्ग विथ योर इनकम ब्रैकेट काम करते हैं इस कॉन्सेप्ट को इतना ही याद रखें ज्यादा नहीं इसके पीछे पड़िएगा इतना डेप्थ में भी नहीं पूछ सकता कि उसके बाद इस चीज को अगर आप कॉन्स्टेंट रखें तो इसका जवाब क्या होगा ये ऐसे नहीं पूछेगा बेसिक बेसिक मोटी मोटी बातें आपसे पूछेगा हाँ भाई करके आए हैं बता रहे हैं पिछली बैच भी पास हुई है ठीक है ऑल राइट ऑटोमेटिक इकोनॉमिक यहाँ पे मैं इकोनॉमिक नहीं लिखा ऑटोमेटिक इकोनॉमिक स्टेबिलाईजर एक्ट टू डैश ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन है पर्टिकुलर वो लेफर कर्व था सो एक पर्टिकुलर इंस्टेंस है कि इकोनॉमिक स्टेबिलाईजर्स क्या करते जब रिसेशन नहीं होती तो दे आर एक्टिंग इन अ डिफरेंट वे और अगर आप मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है तो वो क्या करेंगे वो आपको कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसी आपके ऊपर फिस्कल कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसी अप्लाई करेंगे मॉनेटरी कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसी भी अलग है फिस्कल कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसी आपके ऊपर अप्लाई करेंगे आपको टैक्स ज्यादा करेंगे ताकि आपके हाथों से पैसे फिसल जाएं ठीक है सो व्हाट उसमें सिचुएशन इज डिफरेंट लेकिन अगर रिसेशन है तो क्या आप कौन सी पॉलिसी अप्लाई करेंगे अगर बहुत रिसेशन है बिल्कुल गुर्बत आई हुई है टैक्स रेट बढ़ाएंगे या कम करेंगे कम करेंगे आपकी गवर्नमेंट जो है वो अपना आपके ऊपर खर्चा ज्यादा करेगी या कम करेगी आपके ऊपर आवाम के ऊपर वो खर्चा ज्यादा इसलिए करेगी क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करेगी अपॉर्चुनिटी आपको देने की कोशिश करेगी देखिए दिस इज वेरी लॉजिकल थिंक लाइक दैट कि अगर आप पेपर में देख रहे हैं आपको ये ऐसा घुमाकर क्वेश्चन किया तो आपको पता होना चाहिए देखो सिंपल बहुत आसान है रिसेशन में सब गुर्बत में मर रहे हैं बहुत ज्यादा बेसिक बात हो गई सब गुर्बत में मर रहे हैं अब रिसेशन चल रही है गवर्नमेंट क्या करेगी गवर्नमेंट आपके ऊपर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज आपको जैसे आपने बेनजीर सहूलत प्रोग्राम देखा उसमें क्या है 1,000, 2,000, 3,000 ये क्यों दिया जाता है कि आपकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो मरने वाली हालत ना हो फिर ही आप सोचेंगे कि हाँ ठीक है अब 3,000 रुपए पड़े हुए हैं इससे मेरा घर का राशन चल जाएगा या 5,000 इससे मेरे घर का राशन चल जाएगा अब मैं किसी और चीज के ऊपर सोचूं जब आप बेसिक नीड से नहीं निकलेंगे तो आप क्या क्या किस तरह से इकोनॉमी को बढ़ाएंगे सो व्हाट शुड बी द आंसर नाउ टेल मी बी सी डी क्या हाउ मेनी पीपल सेइंग बी हाउ मेनी पीपल सेइंग सी यार मुझे कंफ्यूज हो गई हूँ ओके क्यों एक्सपेंडिचर क्यों डिक्रीज करेंगे नहीं गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग ऑन यू गाइस बिकॉज दे वॉन्ट टू गिव यू अपॉर्चुनिटी तो आपका गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग ऑन यू गाइस ना तो दे वुड व्हाट वुड द गवर्नमेंट डू अगर रिसेशन है तो अब दो ब्लैंक्स हैं देखिए दो ब्लैंक्स हैं हाँ वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगी टैक्स रेवेन्यू डिक्रीज करेगी क्योंकि टैक्स रेवेन्यू से आप लोगों की डिस्पोजेबल इनकम श्रिंक हो रही है हाँ सी इज द राइट आंसर नहीं नहीं आई वाज यू सेड कि डिक्रीज इंक्रीज सॉरी यू सेड डिक्रीज आई वाज थिंक डिक्रीज ऑलराइट सी इज द राइट आंसर यस and contractionary discretionary discretionary कौन सी थर्ड फिर से बताएं देखिए ये ऑटोमेटिक स्टेबिलाईजर्स जो हैं ये जानबूझ के मैं आपको बताऊंगी मैंने पहली क्लास में बताया है कि इकोनॉमी हैज अ स्पेशल वे ऑफ करेक्टिंग इट्सेल्फ ये भी मैंने अपनी क्लासेस में पहले बताया है कि किस तरह से अपने आप को किस तरह से करेक्ट करती है लेकिन कुछ ऐसे इंस्टेंस में 1920 में सेल्फ करेक्शन नहीं हो रही थी
2008 में सेल्फ करेक्शन नहीं हो रही थी, फिर सेल्फ करेक्शन करने की कोशिश की गई थी, फिर ऐसे मेजर्स लिए गए थे, लेकिन ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स के ऊपर आई विल एक्सप्लेन टुमारो इन डिटेल व्हेन वी टॉक अबाउट द मनी सप्लाई इन डिटेल बिकॉज इट रिलेट्स टू दैट। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है 26 जो है वो बहुत आसान है, इसका आंसर है बी। उसके बाद 27 है, इसका क्या आंसर है? द प्राइमरी डेफिसिट या प्राइमरी बैलेंस इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड ए बी सी डी। क्या फिर से पढ़े, अगर रेवेन्यू रिसिप्ट है मास और आप एक्सपेंडिचर माइनस कर रहे हो तो आपके पास फिस्कल डेफिसिट आता है। जब आप टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंडिचर माइनस करते हो आपके पास फिस्कल डेफिसिट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आप बोरोइंग्स एंड दूसरी इन्वेस्टमेंट डाल के बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ऐसा है? जो आपका फिस्कल डेफिसिट है उसमें तो इंटरेस्ट पेमेंट है ना, उसमें एक्सपेंडिचर के हिस्सा तो इंटरेस्ट पेमेंट लगा हुआ है उसके अंदर है, लेकिन प्राइमरी डेफिसिट क्या है? प्राइमरी डेफिसिट क्या था? कल मैंने एक्सप्लेन इसके ऊपर बहुत लंबी बात की थी कि प्राइमरी डेफिसिट बेसिकली आपके फिस्कल डेफिसिट जो आपका आ रहा है माइनस में, आपके पास 4990 3990 की कल कोई फिगर थी, हाँ ठीक है। अब आपके पास जो फिगर आई थी उसके अंदर क्या था? आपके पास रेवेन्यू 30 तकरीबन 4000 के करीब रेवेन्यू था, आपके पास 8000 के करीब आपका एक्सपेंडिचर था। जब आपने उसमें से 8000 के करीब एक्सपेंडिचर माइनस किया तो 3990 का आपके पास फिस्कल डेफिसिट आया। मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा इसमें से इंटरेस्ट पेमेंट का इतना बड़ा चंक है जो 3060 बिलियन है, उसको निकालें इसमें से, तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 930 बिलियन का एक अमाउंट आया। फिर मैंने कहा अब दिस इज द फाइनल प्राइमरी डेफिसिट होना चाहिए, लेकिन प्रोविंशियल शेयर प्रोविंशियल प्रोविंसेस आपको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जब आपको प्रोविंसेस कंट्रीब्यूट करते हैं तो फिर वो फिस्कल सॉरी फिर वो जो प्राइमरी डेफिसिट और कम हो जाता है, लेकिन बेसिक टर्म में आप फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट का कंपोनेंट निकालें, यू विल गेट द प्राइमरी डेफिसिट। ठीक, व्हाट इज द आंसर नाउ? रीड इट केयरफुली। Who is saying A? Okay, who is saying B? Okay, A किसने कहा था? आप कह रहे हैं A, B, C, चाहे कुछ तो टिक लगाओगे, कहाँ टिक लगाओगे? अच्छा ठीक है, मास B आप क्या लगेंगे आप मिस अनम? ओके, यंग लेडी डी पे। देखिए पीछे वाले आपके जो पार्टनर्स होते हैं ना साइड में बैठे, उनकी कॉपी में मत देखिएगा कभी, वो आपको हमेशा गलत बताएंगे, हमेशा गलत बताएंगे आपको। द आंसर इज ए, सो बिलाल इज करेक्ट। रेवेन्यू माइनस नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में से इंटरेस्ट निकाल लेना। हाँ मुझे लग रहा है, अब मुझे लग रहा है, मैं इतनी खुश कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोग बहुत आप लोग ठीक है। तो अब आई होप कि कुछ ना कुछ आप लोगों को बात क्लियर हो गई है, एम आई करेक्ट? मैंने अभी ऑनलाइन वालों के हालात नहीं चेक किए, आई डोंट नो व्हाट आर द आंसर्स दे आर गिविंग, आई हैव नो आइडिया, लेकिन आई एम गोइंग टू गो बैक टू देम, आई विल रिव्यू व्हाट आंसर दे हैव गिवन, आई विल गेट बैक टू देम ऑन द चैट इंशाल्लाह। All right. Okay. Qualification and background बहुत important है, लेकिन I am telling you there are people who have done it without any accounting background, without any. मैंने कभी भी as such economy नहीं पढ़ी है, लेकिन I have studied in MBA, I have studied in fact by the governors, ex governors. ACCA में there is very little component, one chapter. We don't usually talk about micro or macroeconomics. We don't. Thank you very much. Kal inshallah we are starting. You have all the monetary policy notes. Isko review karke aiyega. Main aapka 50 marks ka MCQ. I'll taking the test next week from the budget.
आई टोल्ड एक्सक्लूसिवली ऑन इन द फर्स्ट क्लास आई विल बी डिस्कसिंग बजट. बजट कंपोनेंट इज ऑलमोस्ट ओवर नाउ. इट्स योर जॉब टू गो एंड रिव्यू इट. सो योर बजट कंपोनेंट इज ओवर, द फिस्कल कंपोनेंट इज ओवर. वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉनिटरी कंपोनेंट.